तो हमेशा देश के खिलाफ काम करते आए हैं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करते हैं, जब संविधान बना तो जलाने वाले लोग कौन थे? पैट्रियोटिक लोग सिर्फ कांग्रेस में है, देश में और भी कहीं कुर्बानी दिए है देश की आजादी के लिए, वहां पर लोग हैं। ऐसे टॉन्ट मार के बात करने से ये कोई, मैं उसको सीरियस नहीं लेता। ये कहने का मतलब ये है कि वो उनको हमारे को नीचे दिखाने के लिए वो काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मोस्ट पैट्रियोटिक पार्टी, थाउजेंड एंड लैक्स ऑफ पीपल वेंट टू जेल, डाइड इन फ्रीडम मूवमेंट। इन्होंने कहीं भी नहीं और पैट्रियोटिज्म की बात करते हैं। एक, जब हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, ये इसीलिए कि वेलफेयर मेजर्स लाने के लिए कास्ट सेंसस की बात हो रही। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो पूछने वाले या गरीबों की मदद करने वाले पैट्रियोटिक नहीं है, वो ही पैट्रियोटिक है। वो तो हमेशा देश के खिलाफ काम करते आए हैं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करते हैं, जब संविधान बना तो जलाने वाले लोग कौन थे? यही लोग थे। और मनुस्मृति को लाओ और ये संविधान को हटाओ, उनका नारा था। और तिरंगे झंडे को भी उन्हें अपना झंडा नहीं माना। तो ऐसे लोगों के पास पैट्रियोटिज्म है? पैट्रियोटिक लोग सिर्फ कांग्रेस में है, देश में और भी कहीं कुर्बानी दिए है देश की आज़ादी के लिए, वहाँ पर लोग हैं। दूसरे पार्टीज में लोग, ये तो हमेशा अपनी जान की रक्षा के लिए ये ब्रिटिशरों को शरण गए थे। ऐसे लोग हमको सिखाना, ये उनको शोभा नहीं देता। आपकी कह रहे लंबी उम्र आप जिए, अमित शाह ने कहा, जब आपने जो बोला था प्रधानमंत्री को हटा के ही मैं दम लूंगा, तो उन्होंने कहा कि विकसित भारत देखें आप, 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, तब तक आप जिए। देखो, ऐसे टॉन्ट मार के बात करने से ये कोई, मैं उसको सीरियस नहीं लेता। ये उन्होंने अपने स्टाइल में, अरे मेरा विकसित भारत देखो, तुम 100 साल जिद, 150 साल जिएंगे, 125 साल। ये कहने का मतलब ये है कि वो उनको हमारे को नीचे दिखाने के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन पहले जो वायदे किए थे वो तो पूरा करो, उसके बाद में बात करो।